नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में योगी राज श्री शक्तिपुत्र श्री महाराज के निर्देशन में बिल्हौर नगर के ककवन रोड स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का दिव्य महाआरती क्रम भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जयकारों एवं भाव गीतों के साथ हुआ। रौनक पाल व निधि ने जोरदार स्वर में जयकारे लगवाए, वहीं निधि चौरसिया व सोनम चौरसिया ने सुंदर भाव गीतों की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात सभी उपस्थित मां भक्तों ने गुरु चालीसा व श्री दुर्गा चालीसा पाठ करते हुए गुरु वंदना एवं माता आदि शक्ति की वंदना की तथा दिव्य महाआरती क्रम सम्पन्न किया। तत्पश्चात सभी ने संपूर्ण स्तुति के माध्यम से अपने आराध्य के चरणों में क्षमा याचना की। कार्यक्रम की समापन मेला में महिला शाखा की तहसील अध्यक्ष नीरज कटियार, टीम प्रमुख सत्यवती पाल, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रेश सिंह व भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी ने अपने सारगर्भित वक्तव्य प्रस्तुत किए। वहीं जिलाध्यक्ष ने नवगठित तहसील कार्यकारिणी की भी घोषणा की। अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तहसील बिल्हौर के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने आए हुए सभी मां भक्तों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। महोदयों को वे ज्ञापन दिया कि आप सुनिए, समझिए कि समाज में कितना बड़ा चहल घोला जा रहा है। हमने एक माध्यम बनाया कि आज सरकार की लाइसेंस दे रही है। इसके विरोध में हमारे भाई और बहनों ने जो कदम आगे बढ़ाया है वह सराहनीय है, वह सराहनीय योग्य है। हमें सभी का धन्यवाद करना चाहिए। जय हमारा समाज। ये बताई जा रही है कि गुरुवत किन गुरुवत से आप जुड़े, कैसी हताशा का जीवन, कैसे निराशा का जीवन। गुरुवर ने तो कहा है कि अपने किसी भी शब्द के शिष्य का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। महाशक्तियों के माध्यम से गुरुवर ने यह साधना को विलीन किया, समाज को प्रदान किया, शक्ति जल का निर्माण किया, निशुल्क समाज के लिए प्रदान किया, जिसका शक्ति जल पान अभी महाआरती के बाद हम सब लोग करेंगे। समाज में विभिन्न व्यक्तियों को, घरों को हम लोग इसी साधना के बारे में बताते हैं, शक्ति जल उनको देते हैं, उनको लाभ मिलता है। उन्हीं महाशक्ति यज्ञों के माध्यम से मृत प्राय लोगों को गुरुवर ने जीवन दान दिया। नदी में पानी का प्रवाह आए ऐसे गुरुवर से जुड़े हो, जिनके हाथ में प्रलय है, जिनके हाथ में निर्माण करने की शक्ति है, किसी भी असंभव को संभव कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे गुरुवर के शिष्य हैं। इसलिए पूरी निष्ठा समर्पण विश्वास से गुरुवर की यात्रा में चलो। तुम्हारा दिया गया एक एक समय, एक एक कदम निरर्थक, इस मार्ग में निरर्थक नहीं जाएगा, ये विश्वास कर ले। गुरुवर का महाशक्ति संगनाथ 3-4-5 अक्टूबर को विशेष साधना में बैठे हैं, कोई खाली नहीं जाएगा, विशेष है। घर में साधना करते हैं, विशेष है। आरती चालीसा पाठों में क्रम में चालीसा प्रमुखों का सहयोग करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन गुरुवार अगर मुख से बोले तो वो बहुत विशेष हो जाता है समाज के लिए। जैसे गुरुवार ने 2012 में युग परिवर्तन का महासंगनाद किया था और दूर में घोषणा की थी कि समीर नदी वाले हर व्यक्ति को उसके जीवन में जो जरूरी बात होगी उसकी मैं एक बात पूरी करूंगा। वही महाशक्ति संगनाथ गुरुवर ने हम सबको बताया है कि उनको शब्दों में मैं मानना नहीं चाहता, मैं क्या प्रदान करूंगा आने वाले भक्तों को ये शब्दों में मखान करना नहीं चाहता। बोलो सतगुरु भगवान की जय।
इसलिए 3-4-5 अक्टूबर को पंचोशक्ति सिद्धाश्रम में होने वाले शिविर में अभी से लोगों को प्रेरित करें। आप शक्ति के गति नीचे कमा के चरणों में कोई सा नमन वंदन करते हुए हमारे बीच में कैसे अध्यक्ष भैया युगल तिवारी जी का, उनके साथ में आए हमारे सभी भैया लोगों का, तहसील बिल्हौर के सभी पदाधिकारियों का एवं दूर दराज से आए हमारे सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से सम्मान करते हुए तहसील जय माता की जय। कुंडली के पास से अभी आश्रम से बैठक करने के बाद प्रथम रविवार को तहसील बिल्हौर में प्रथम रविवार को महाआरती करने का सभी भाई बहनों का अवसर प्राप्त हुआ है। कुंडली ने हमारा बताया है कि एक लक्ष्य बनाकर सभी लोग चले, इसका लाभ भी अलग मिलता है। और कुंडली ने कभी भी अपने शिष्यों को गलत दिशा में जाने के लिए नहीं बताया है। कुंडली ने कहा है कि मेरे कार्यकर्ता ना मैं कभी बैठा हूं ना कभी बैठने दूंगा। और कुंडली ने जो अपने कार्यकर्ता बनाए हुए हैं इसीलिए बनाए हुए हैं कि जहां भी जाओ, जहां भी क्रम हो आगे बढ़ो। ये नहीं बताया कि हमेशा आगे बैठो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि पीछे क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।